नमस्कार दोस्तों, आज 21 अगस्त है। 21 अगस्त को आप सभी को पता है भारत बंद का आह्वान जो है वो बुलाया गया है, और भारत बंद को लेकर जो तस्वीरें देखने सुनने को आ रही है दोस्तों, आज तमाम राज्यों की जानकारी आपको दूंगी कि कहां पर क्या हो रहा है। जी हाँ, भारत बंद को लेकर क्या क्या तस्वीरें आ रही है वो सब कुछ आपको एक एक करके जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान कर दिया गया है। और सोशल मीडिया पर भी भारत बंद इस वक्त ट्रेंड कर रहा है दोस्तों, कि कैसे जो है भारत बंद आज है और इसको हर किसी से फॉलो करने की अपील भी कई संगठनों के जरिए की गई है। आप सभी को पता है कि विपक्षी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर, उनकी सोच को लेकर हमलावर रहे हैं, और इसी का नतीजा रहा है दोस्तों कि मोदी के तीसरे कार्यकाल के अंदर मोदी को बैक टू बैक कई फैसले जो है, कई बिल जो है वो वापस लेने पड़ गए हैं, और इनमें से एक मुद्दा आरक्षण का मुद्दा है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने ज़ोरदार तरीके से भाजपा सरकार पर हमला बोला, लगातार हमला बोला। इनफैक्ट संसद भवन के अंदर भी राहुल गांधी ने जब आरक्षण का मुद्दा उठाया तो मोदी जी के प्रिय सांसद और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की जाति पूछने लगे और जाति पूछकर अपना कॉलर ऊंचा करने लगे, जिसको मोदी जी भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नज़र आए हैं। वो पार्ट जो सदन के अंदर हटा दिया गया था, जिसमें गर्मा गर्मी हो गया था, राहुल अखिलेश यादव भड़क गए थे। अखिलेश यादव ने तो अनुराग ठाकुर को पूछ लिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाति पूछने की। लेकिन वही वीडियो को प्रधानमंत्री जी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए शाबाशी देते हैं अनुराग ठाकुर को। तो सोचिए कि बीजेपी का जो आरक्षण का को लेकर के जो हमेशा से रुख रहा है, स्टैंड रहा है, वो कहने को कुछ और रहता है और करने वाला काम कुछ और होता है। अब इसी मामले को लेकर आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान बुलाया गया है, जो इस वक्त कहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, वो सब कुछ आपको एक एक करके जानकारी देने वाली हूँ खबरों के माध्यम से, कि भारत बंद जो है वो किस तरीके से लागू किया गया है और कहाँ कहाँ पर लागू है और कौन इसको फॉलो कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, जहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी, मायावती की पार्टी जो हमेशा, मतलब आप समझते हैं, लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया है, वो पार्टी भी आज सड़कों पर उतर आई है। कहा जा रहा है कि आरक्षण के विरोध पर सड़क पर उतरे बसपा के कार्यकर्ता, सैकड़ों की तादाद में बसपा कार्यकर्ता तहसील चौराहे पर पहुंच गए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास प्रदर्शन कर रहे बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। तो ये तस्वीरें आपको हापुड़ की दिखाई है, जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं एबीपी न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि दलित और आदिवासी संगठनों का आज जो है भारत बंद है। एससी एसटी आरक्षण कोटे में कोटा की सलाह का विरोध, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था क्रीमी लेयर अब ख़त्म करना होगा, जिनको आरक्षण दे दिया गया है, जिनको क्रीम मिल चुका है, उन्हें अब आरक्षण का फ़ायदा नहीं होना चाहिए, जिसमें बीजेपी में भी दो फाड़ देखने सुनने को मिला कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है उसके सहयोगी दल वो इस बात को लेकर नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम जो है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक बार फिर से विचार करने की सलाह देते हैं और सरकार के सामने भी अपनी बात रख रहे हैं, जिसके बाद सरकार को भी फिर अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ा था। लेकिन दलित संगठनों के लोगों ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर इसे लागू होने नहीं देंगे और जो भी फैसला लिया है उसको वापस किया जाना चाहिए, जिसको लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। देखिए एक और यूज़र हैं, ANI की वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि बिहार से भारत बंद की तस्वीर, बड़े आंदोलन के नारे सुने और जन आक्रोश को महसूस करें। बिहार की सड़कों पर पुलिस प्रशासन उतरे हुए हैं दोस्तों, और लोग बंद करने की आह्वान कर रहे हैं कि जो भी अपना दुकान वुकान खोले हैं उसको आप बंद कीजिए। देखिए भारत समाचार के हवाले से खबर आई कि यूपी में भारत बंद की आज आह्वान पर BSP और बाकी दलित संगठनों के लोग अलग अलग ज़िलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, दुकानें बंद करवाई जा रही है, मार्केट नहीं खोलने की अपील की जा रही है,
सड़कों और चौराहे पर नारेबाजी की जा रही है। हापुड़, हथरस, आगरा जैसे तमाम ज़िलों में प्रदर्शन जो है बड़े तादाद पर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त भारत बंद को लेकर नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि भारत बंद में प्रदर्शनकारियों का बवाल भी शुरू हो गया। उड़ीसा में स्टेशन पर ट्रेन जो है वो रोक ली गई है। ये खबर भी आ रही है भारत समाचार के हवाले से कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से आज यानी कि 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया था और समिति ने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में ये कदम उठाया है। हालांकि खबरें हैं कि इस दौरान सरकारी दफ्तर, बैंक और ज़रूरी सेवाएं जो है वो जारी रहेगी, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी ने SC ST और तमाम जो निचले तबके के लोग हैं उनको संगठनों की तरफ से बंद जो बुलाया गया है उसके आह्वान का जो है उनसे सपोर्ट मांगा है और हर तरफ से जो है दोस्तों उनको समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले लेना चाहती है देश में, मतलब भाजपा के नेता का भी बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान कांग्रेस फैलाना चाहती है देश में हिंसा। तो ये बात जो है बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जो है देश में हिंसा फैलाने का काम कर रही है, भारत बंद बुलाने का जो आह्वान किया है वो सही नहीं है। और जैसे कि आपको बता दूं दोस्तों कि भारत बंद बुलाने का जो आह्वान है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है, दलित संगठनों की तरफ से किया गया है। लेकिन भाजपा झूठ बोले बिना जो है रह ही नहीं सकती। राजस्थान में भी भारत बंद का असर दिख रहा है दोस्तों। पिंक सिटी भी पूरी तरीके से बंद है जिसकी तस्वीर कई लोगों ने शेयर की है और बताया है कि भारत बंद का असर जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही हूँ देश के कई हिस्सों का कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और सबसे पहले दोस्तों आपको ये भी बता दूँ कि भारत बंद का जो आह्वान दिया गया है इसमें कई संगठन जो हैं राजनीति के वो भी अपना समर्थन देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि आरक्षण को लेकर भारत बंद, बसपा सपा एकजुट हो गई है, प्रशासन हाई अलर्ट पर है, आंदोलन जिस तरीके का बुलाया गया है उसको लेकर प्रशासन को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। तो इस वक्त की तमाम बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ जो भारत बंद को लेकर असर दिखना शुरू हो गया है। अभी तो शुरुआत है, सुबह का ही वक्त है दोस्तों, अभी पूरा मतलब शाम तक 8 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया है। और भी क्या होता है पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।